लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वापसी है और होपफुली अगले 2 महीने इंशाल्लाह ताला बहुत मज़ेदार दोनों कॉन्टेंट आने वाला है। क्या पता इससे ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन 1.5-2 महीने तक तो हम छुट्टी से दोनों अब खैर हो गए, दोनों छुट्टी से पेट हो गया हमारा पूरा। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि अब यहाँ पर जो प्लान है ना वो ओवरऑल अच्छा होने वाला है और जितने ऊपर केजेस लगे हुए हैं उससे ज़्यादा यहाँ पर हो जाएंगे। आप में तो शायद कोई बोले कमेंट में आके कि यार इससे अच्छा कोई बड़ी जगह ले लेता। कम से कम ये है कि इनका काम भी हो जाएगा। देखिए हम खड़े होकर देख रहा है यार ये बाहर की चीज़ आई है तो मैंने कभी खाई नहीं थी, दोनों बात आई है अभी वैसे ऐसे दोनों बाहर आएंगे तो फिलहाल मैंने कहा कुछ आइडिया भी हो जाए कुछ हरे भी हो जाए क्योंकि हमारा काफ़ी टाइम से डाल नहीं रहा, इनको रेगुलर डालेंगे इंशाल्लाह ताला सफाई वगैरह करके तो ना पूरा जगह को अच्छे। अच्छा भाई यहाँ पे जो है ना अच्छी खासी मुर्गियाँ अवेलेबल है, अगर किसी को चाहिए तो मिल जाएंगी। मैं बात इसलिए रिपीट कर रहा हूँ वैसे तो आपको उनकी मुर्गियों की डिटेल दे दूँगा आगे जाके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बेहतर माल है, अल्लाह का शुक्र है। अब मुझे कोई बंदा बाहर का कहता कि मेरी भी खैर अपनी मंजिल पर गामजा ने हमने ज़्यादा ओवरलोड करी नहीं है, बड़ी वाली प्लास्टिक की टोकरी होती तो और अच्छा हो जाता पर अभी नहीं मिली। लेकिन अभी गर्मी से इनका आँप रही है ये तो इसीलिए रीज़न ये था, छत पर रखे जाएंगे ना सुकून से बगैर किसी मसले के बगैर किसी पंगे के इंशाल्लाह खैरियत से अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगी। भाई का नंबर ले लेंगे, पार्टी को दे देंगे कि भाई ये नंबर है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई अभी गन से शुरू कर रहे हैं वीडियो क्योंकि बस यहाँ की सफाई हो चुकी है हल्का था, मैंने बस स्क्रैपर लगाना है तो वो स्क्रैपर लगा के सारी सफाई हो चुकी, कुछ पानी पड़ा हुआ है कुछ सर्फ वर्फ पड़ा हुआ है तो इसलिए दोनों अभी कुछ जगह रहती है थोड़ी सी। तो कल वीडियो बनाने का रीज़न सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि भाई जो मैंने कहा था कि मुझे बंदे की ज़रूरत है, अल्लाह का शुक्र है 2 बंदे समझ में आए मुझे, उनमें से किसी एक को हम डन कर देंगे इंशाल्लाह ताला और फिर उसके बाद सेटअप की डिटेल देंगे। आप में से 1-2 बंदों का कमेंट था कि यार आप सेटअप को बढ़ा रहे हो लेकिन किस तरह बढ़ा रहे हो, क्या डालने वाले हो, इसका मुझे आइडिया नहीं मिला। तो खैर कोई मसला नहीं, देखते हैं ऐसा ऐसा। अभी तो फिलहाल इसको जल्दी से मैं स्क्रैपर लगाता हूँ क्योंकि मैंने निकलना है यूनिवर्सिटी आधे घंटे के अंदर, तो मैंने चलो आधा घंटा इसमें पूरी जगह को मैं अच्छे से दोनों समेट लूँगा ताकि फिर एक काम बेहतर हो जाए। अच्छा भाई सॉरी, सबसे पहले तो इतना लंबा ब्रेक के लिए उसका रीज़न सारा ये था कि मैं दोनों कुछ फंसा हुआ था अपने कामों के अंदर और कुछ चीज़ें थी जो पेंडिंग में थी, फिर बहुत कंप्यूटर भी ख़राब हो गया था कुछ दिनों के लिए, फिर कंप्यूटर सही होने में 10 दिन लग गए तो उस तरह में दोनों बहुत सारी चीज़ें डिले पर डिले चले गई और कुछ मेरा दिल भी दोनों कॉन्टेंट थोड़ा सा बोर हो गया था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वापसी है और होपफुली अगले 2 महीने इंशाल्लाह ताला बहुत मज़ेदार दोनों कॉन्टेंट आने वाला है। क्या पता इससे ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन 1.5-2 महीने तक तो हम छुट्टी से दोनों अब खैर हो गए, दोनों छुट्टी से पेट हो गया हमारा पूरा और माशाल्लाह से देख रहे हो ना अभी यानी कि अब नई नई जगह शुरू हो गई और मैं आपको एक बंदे का बोला था भी फाइनलाइज हो चुका है हमारा। ये वीडियो मैंने बाद में रिकॉर्ड करी उस पार्ट के, तो वो बंदा भी आपको इंशाल्लाह शायद शाम में दिखा दें और बाकी जो सारी चीज़ें ना वो ऐसा ऐसा फिर आपको अपडेट लेते हुए चलते हुए जाएंगे क्योंकि अब कंटेंट बहुत यकीन करें अच्छा होने वाला है। बाकी चूज़े जो है इंशाल्लाह ताला 2000 का प्लान है और अल्लाह ने चाहा तो शायद इसी वीक आ जाएंगे, नेक्स्ट वीक में आ जाएँ तो पॉसिबली इसी वीक के अंदर हो जाएंगे चूज़े और फिर उसके बाद आपको चूज़ों के हायर दिखाते हैं और उसके बाद आपको रिमेनिंग एक एक चीज़ की दोनों अपडेट दिखाएंगे। अभी इसके होता है कि गीला था पहले से तो इसको उठाना बहुत ही आसान है, अगर ये सूखा होता तो उसको उठाना थोड़ा सा मुश्किल होता यानी कि स्क्रैप करना, लेकिन अभी यह है कि अभी जो है स्क्रैप करना बहुत ही नॉर्मल के हिसाब से इजी रहेगा। अभी जो है बेसिकली वो आ गए दोबारा से अपने गरीब खाने में, गरीब खाने का गन देख रहे हो आप तो, यहाँ की तो पूरी सफाई करनी है मैंने और मैंने लास्ट टाइम एक लड़के का कहा तो अल्हम्दुलिल्लाह लड़का भी अरेंज हो गया, इससे भी आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे कभी ना कभी, लेकिन अभी पहले यहाँ की सफाई करेंगे और उससे पहले आपको हमने दिखाना है एक छोटा सा सरप्राइज़। बेटा कहाँ छुप के बैठे हो, निकलो बाहर, अरे दो हो तो माँ भी साथ है बच्चा भी साथ है, इसमें दिखाना जरा, ये देख रहे हो ये माँ और बच्चे दोनों साथ ही एक में बैठे हुए थे, इनकी नेचर भी साइज अच्छी है, इनको जरा खड्डों में रहने के लिए पसंद है, अब खड्डे तो हमारे पास है नहीं। भाई निकलो, बच्चे मियाँ कैसे हो, तो खड्डे तो हमारे पास है नहीं, खैर ये बच्चे भी दोनों इसके अंदर ही साथ है। तो अब एक काम करते हैं अब जल्दी से दोनों इनकी तरह सफाई वफाई करते हैं पर उससे पहले आपको एक सरप्राइज़ दिखाना है, वो आपको दिखाते हैं। जी भाई बिग सरप्राइज़ से मुराद ये था, वीडियो के शुरू मैंने आपको नहीं बताया था वो क्या है, वो ये है कि भाई अब हमें थोड़ी सी और जगह भी मिल गई, क्या पड़ा हुआ है पट्टियाँ छोड़ के चले गए ये लोग अपनी और बिल छोड़ के चले गए हमारे नसीब में। तो भाई अब माशाल्लाह से ये सिचुएशन है कि अब जो है ना ये जगह जो है ये मेरे यूज़ में आ चुकी है और शायद आपको जगह का इतना अंदाजा नहीं हो लेकिन मेरे पास ऐसे 2 फ्लोर आ चुके हैं। तो अब ये जगह के ऐसे पता है हालात तो बहुत ख़राब हैं, हम कुछ जगहों पर पेंट करेंगे कुछ जगहों पर नहीं करेंगे क्योंकि उसका रीज़न ये है कि अब यहाँ पर जो प्लान है ना वो ओवरऑल अच्छा होने वाला है और जितने ऊपर केजेस लगे हुए हैं उससे ज़्यादा यहाँ पर हो जाएंगे। आप में तो शायद कोई बोले कमेंट में आके कि यार इससे अच्छा कोई बड़ी जगह ले लेता अगेन इसी छोटी जगह पे लगे हुए हो, तो उसका रीज़न मैं आपको बता दूं पहले ही, उसका रीज़न सारा ये है कि भाई मेरी है यूनिवर्सिटी ठीक है और मैं छोटे मोटे काम और भी करता हूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी फार्म पे जाके टाइम दे सकूँ, तो मुझे पता है जो चीज़ मैं मैनेज ही नहीं कर सकता मैं उसका पंगा क्यों लूँ, ठीक है साफ रीज़न मैंने आपको समझा दिया। तो अब जो मेरा दिमाग है ना वो ये है कि इस पूरी की पूरी जगह के ऊपर हम केजेस बनाएंगे और मेरे पास ऐसे 2 फ्लोर है, एक फ्लोर ये नीचे है एक इसके ऊपर वाला है, एक इससे नीचे भी एक फ्लोर है पर वहाँ पे फिलहाल मेरा फार्मिंग का मूड नहीं है, लेकिन 2 फ्लोर बहुत हो जाएंगे, ये वाला फ्लोर एक इससे ऊपर वाला और इससे ऊपर जो छत है जहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया था रैबिट्स वगैरह। तो अब जो है ना सिचुएशन वो ये है कि भाई ये जगह इतनी लंबी यहाँ पर बनेंगे केजेस ठीक है,
और इसकी जो साइज़ तकरीबन 30 फीट है, ये यहाँ पे बनेंगे केजेस, और उसके अलावा यहाँ से यहाँ तक इंशाल्लाह बनेंगे केजेस, ठीक है। ये दो जगह हो गई, ये जगह की साइज़ जो है वो तकरीबन 15 फीट है, तो ओवरऑल जो सिचुएशन बन जाएगी वो बन जाएगी तकरीबन 3x30 फीट के केज और 2.5x15 फीट के केज, दो केजेस हो जाएंगे यहाँ पे, तो फार्मिंग भी अच्छी खासी बढ़ जाएगी। और केजेस के अंदर जो मेरा इस दफ़ा प्लान है वो थोड़ा डिफरेंट है, हम केजेस में लगाएंगे मैन्यूर बेल्ट। हो सकता है आपको कॉन्सेप्ट ना हो मैन्यूर बेल्ट क्या होती है, क्या हिसाब किताब है, वो हम आपको आहिस्ता आहिस्ता करके समझाएंगे, आपको चीज़ें पता लगेगी, लेकिन ओवरऑल अभी सिचुएशन जो है ना वो बेहतर है, तो अल्लाह का शुक्र है कि अब थोड़ी सी बेहतर हो गई, तो ये रीज़न भी हो जाएगा। उसके अलावा मैं जो केज प्लान कर रहा हूँ वो इस हिसाब से कर रहा हूँ कि कल को अगर मैं उसमें ब्रॉयलर रखना चाहूँ तो मैं वो भी रख सकता हूँ, तो इतने बड़े और इतने प्यारे केजेस का मेरा प्लान है कि हम इसको इस तरीके से काम करेंगे। तो अभी तो इंशाल्लाह एक दिन में जालियाँ आ जाएंगी, फिर कल मैंगल ले आऊँगा, फिर एक दिन में बेल्ट आ जाएगी, तो ये जो पूरी की पूरी जर्नी है ना वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी जो मेरा मोटिव पेंट का वो ये है कि अगेन इस जगह पर पेंट भी नहीं करेंगे इस जगह पर खाली, क्योंकि ये जगह पूरी दीवार कवर हो जाएगी, छत साफ़ सुथरी है इस जगह की, अभी छत को मुझे क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, तो छत भी क्लीन नहीं करेंगे, शायद वो जगह जो ना उसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं, यहाँ पे हल्की फुल्की सी शायद हल्का फुल्का सा लगा दूँ बस, कि गुजारा हो जाए, क्योंकि देखिए पता रखने चूजे ही हैं, अब मैं जरूर इतना चमका भी दूँ तो इतना मज़ा नहीं आएगा, तो हल्का फुल्का सा बस टचअप कर लेंगे कि काम भी अच्छे से हो जाए और चीज़ें भी तो ना मुनासिब तरीके से हो जाए, तो उम्मीद है बरकत रहेगी। बल्कि आपको काम करते हैं ना ऊपर वाली जगह भी दिखा देते हैं, ऊपर वाली जगह थोड़ी सी इससे ऊपर है, यहाँ पे इससे पहले कुछ लोग काम करते थे, बैग्स वगैरह बनाते थे, उनको हमने रेंट पे जगह दी हुई थी, तो बाहर वो लोग चले गए अभी, क्योंकि वो खाली करा लिया उन सबों से, क्योंकि मेरा मूड था यहाँ पे करने का, तो यहाँ पे जो ना कुछ छोटे चूजे की सेटिंग हो जाएगी, यहाँ पे चूजा फ्लोर पे ही रहेगा, जगह अभी बिल्कुल बिगड़ी हुई है, टूटी हुई है, सामान वामान सारे ख़राब खरूब हुए हैं, चीज़ों को सेट करने में टाइम लगेगा मुझे भी, तेरी खैर मैंने ऐसी लात मारी मजाक में, शायद होगा कुछ, वो धड़म करके गिर ही गया नीचे, तो खैर अभी जगह कबाड़ में आहिस्ता आहिस्ता शक्ल नज़र में आएगी। हाँ इस जगह पे हम पेंट करेंगे, इस जगह पे पेंट भी नहीं करेंगे, इस जगह पे करेंगे इंशाल्लाह चूना, तो यहाँ पे हम ज़रूरी है नीचे नहीं करेंगे, तो ओवरऑल ये है कि अब आपको कंटेंट में थोड़ी सी डाइवर्सिटी दिख जाएगी, थोड़ी सी चीज़ें बेहतर दिख जाएंगी, थोड़ी सी और टाइम दिख जाएगा, तो ये है कि चीज़ें मैनेज हो सकेंगी, और जगह को रखने का रीज़न ये था कि अब मैं एक बंदा रख सकता हूँ क्योंकि उसके पास काम होगा करने को, बाकी जो छोटे चूजे वाली जगह है वो तो डिफरेंट ही रहेगी, यहाँ से वो जो पहले हमारे पास एक बड़ा रूम है वहाँ पे रहेगी, ये रूम छोटे हैं, इनकी विथ कम है क्योंकि ये कमर्शियल पट्टी है, मैं आपको दिखाता हूँ नीचे से कैसे, कमर्शियल पट्टी से मुराद है कि यार ये मेन रोड है बेसिकली, तो यहाँ पे जो ना प्लॉट की कटिंग को इतनी बड़ी नहीं है, तो हमने दुकान है आज संडे तो सब कुछ बंद है, वरना प्लॉट की कटिंग यहाँ पे इतनी बड़ी है नहीं, तो इस हिसाब से, लेकिन ओवरऑल इंशाल्लाह अब कंटेंट में और चीज़ों में बेहतरी आएगी वक्त के साथ साथ, आई ट्राई माई बेस्ट। मैं तकरीबन पिछले 3 हफ्तों से गायब हूँ कंटेंट को लेकर, वीक में एक वीडियो अपलोड कर दी, 2 घंटी बैठ सी, इस वीक तो मैंने एक भी नहीं करी, उसका रीज़न ये था कि मैं इसके ऊपर काम कर रहा था, उसकी एक एक चीज़ मेरे दिमाग में आ चुकी है, अब अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ और सिर्फ इसको अप्लाई करना है और चीज़ें आपके सामने आएंगी, तो अच्छा खासा खर्चा होने वाला है इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो बड़ा जरा मज़ा आएगा इस जर्नी में, क्योंकि केजेस बनेंगे, केजेस सेट होंगे, यहाँ पे पेंट होगा, 10 चीज़ें होंगी। खैर इतना बड़ा इंट्रो बहुत है, अब चलते हैं दूसरी तरफ, उसका आपको आगे चल के अपडेट देते हैं। करते करते मगरिब हो गई, शाम हो गई, और एक शाम खरगोशों के नाम, यहाँ की सफाई चल रही है, यहाँ के तो भी हम टाइम लगाएंगे आपको दिखाने में, और इनको मैं ये डाल दूँ बरसीन, बहुत दिन हो गए मैंने इनको तो ना कुछ सहारा डाला नहीं, तो मैंने आज इनके लिए बरसीन लाया था कि अच्छे से खा लें, कम से कम ये है कि इनका काम भी हो जाएगा, देखिए हम खड़े होकर देख रहा है, यार ये बाहर की चीज़ आई है, तो मैंने कभी खाई नहीं थी, दिनों बाद आई है, अभी वैसे ऐसे दोनों बाहर आएंगे, तो फिलहाल मैंने कहा कुछ आइडिया भी हो जाएगा, कुछ हरे भी हो जाएंगे, क्योंकि हमारा काफ़ी टाइम से डाल नहीं रहा, इनको रेगुलर डालेंगे इंशाल्लाह ताला, सफाई वगैरह करके तो ना पूरा जगह को अच्छे से सीमेंट के, क्योंकि प्लान जो है ना अब ये है कि चीज़ें थोड़ी सी हम कैलकुलेटेड करना शुरू करेंगे, ऐसे बातें एवरीथिंग टेक्स सम टाइम वाली सिचुएशन है, बट होपफुली विद इन 2 मंथ्स हम चीज़ें बेहतर तरीके से कर लेंगे, तो अब जो है ना कंटेंट की एक बहुत स्पीड आने वाली है इंशाल्लाह ताला, और मज़ेदार किस्म का कंटेंट आने वाला है। इस तरह सब कुछ करने का रीज़न एक यही था कि भाई कंटेंट भी हमारा अपग्रेड हो जाएगा, कब से एक ही चीज़ रगड़ रहे हैं उस पर हम और रगड़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ज़रा मज़ेदार हो जाएंगे, तो खैर अभी तो फिलहाल इतना ही है, उसके बाद जो ना आगे चल के हम इनको डिटेल करेंगे, अभी एक छोटा सा काम वो निपटाते हैं, उसके बाद हम वीडियो को भी और इनको भी लेके चलते हैं, ठीक है जी। वही सफाई वगैरह जो थी ना वो मैंने कहा था निपटाएंगे थोड़ी सी, और अब जो सिचुएशन है ना वो ये है कि जो मुर्गियाँ सेल करनी थी ना उनको भरना है थोड़ा थोड़ा सा करके, क्योंकि वो जाएंगी ज़रा आगे की तरफ, आगे कहाँ जाएंगे आपको ज़रा समझाते हैं, तो पहले इनको भरते हैं और उसके बाद जो है ना आपको फीड वगैरह डाल के इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, और ताकि ना बस इसकी डिलीवरी देनी है आगे, वो सब चीज़ आपको करके बता देते हैं पैसे। तो भाई अभी जो सीन है ना वो ये है कि ये मुर्गी हमने भेजनी थी हैदराबाद, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इन सबको इतना पैक करेंगे आराम आराम से, और इस तरह था कि आराम से इतना ट्रांसपोर्ट हो जाए। मैं आपको पहले ही बता दूं इनमें से कोई एक मुर्गी पर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मरी, और ये क्लाइंट को ईजिली ट्रांसफ़र हो चुकी है। अब ये है कि चलें साथ में बंदा हो जाएगा तो फिर थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि फिर देखिए होता क्या था, इसमें एक मुर्गी पकड़ो वरना मुर्गी भाग जाएगी, फिर आप नई मुर्गी पकड़ के लाओ वो भाग जाएंगी, तो इसमें थोड़ा सा मसला रहता है।
अभी ये जो टोकरियाँ ना, ये टोकरियाँ मुझे मिली हैं 100-100 रुपये की, कहीं 50 की भी मिल जाती हैं, लेकिन अभी ज़रूरत ही तो हमें 100 रुपये की मिली। वैसे 50-30 रुपये की भी मिल जाती है, कोई इतनी इशू वाली बात नहीं होती, लेकिन एक टोकरी होती है बड़ी 500 रुपये की, मैं तो सबको रिकमेंड करता हूँ वो ले लें। इनके बारे में मिली नहीं हमें, वरना मैंने इनसे पैसे उसी के लिए थे, फिर पैसे इनको कुछ वापसी कर दिए, ऐसा ना कुछ हुआ था। कई मुर्गियाँ जो भरनी थी ना, वो तो अभी भर ली हैं और इसमें रख भी दी हैं, तकरीबन 10 के करीब हैं। किसी को एक मिनट, एक काम करते हैं ना, पहले इनको भेजने से पहले, इनकी डिटेल देने से पहले ज़रा इनको फीड डाल दें, और फीड डालने के बाद आपको ज़रा जल्दी से अपडेट भी देता हूँ, आपको कहानी शानी भी सुनाते हैं जल्दी जल्दी से कि क्या सिचुएशन है, क्या हिसाब किताब है, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पे जो है ना अच्छी खासी मुर्गी अवेलेबल है, अगर किसी को चाहिए तो मिल जाएंगी, मैं बात इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। वैसे तो आपको उनकी मुर्गियों की डिटेल दे दूँगा आगे जाके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बेहतर माल है, अल्लाह का शुक्र है। अब मुझे कोई बंदा बाहर का कहता है कि मेरी भी सेल करवाता हूँ, तो मैं नहीं बाय करता। उसका रीज़न ये कि जो मेरे अपने पास चीज़ें ना यार, उसमें सुकून है मुझे बेचने में, मुझे पता है उसकी हेल्थ का, उसकी किसी चीज़ का पता है। और उसकी अभी हेल्थ देख रहे हो ना माशाल्लाह से, बर्ड्स की हेल्थ पता लगती है खाना खाते हुए, जब खाना खाता है उस टाइम पर असल हेल्थ पता लगती है। बाहर का माल बीमार बीमार होता तो इसलिए हम लोग लेते नहीं हैं, लेकिन देखते हैं वो भी मना ही कर देते हैं नॉर्मली। फीड वगैरह सबको डाल दी है, और अब मैं आपको ज़रा सिचुएशन बताऊँ ना कि अगर आप किसी को चाहिए मुर्गी तो वो कांटेक्ट कर सकता है। पर मुर्गी का जो रेट होगा ना, आपको सिंपली बता देता हूँ कि जो अच्छी मुर्गी है, जो वेट में फुल है, वो पड़ेगी आपको तकरीबन 1200 रुपये की, और जो थोड़ी सी छोटी है वो पड़ेगी आपको तकरीबन 1000 रुपये की। जैसे कि ये मुर्गी आप देख रहे हो ना, ये ऑलमोस्ट फुल है, नहीं ये छोटी है, तो ये तकरीबन 1200 रुपये की, और इससे छोटी अगर चाहिए होगी तकरीबन ये अंडे देने में महीना ले लेगी। और ये वाली जो मुर्गी हैं, जैसे कि आपको दिखाऊं इनमें छोटी कौन सी है, ये वाली भी महीना लेगी। साइज़ में देख रहे हो अच्छी खासी बड़ी है ये, जैसे कि ये मुर्गी है ये भी फुल है। ये वाली देख लेते हैं, ये वाली मुर्गी जो है ना, ये 1000 रुपये की पड़ेगी, तकरीबन 1.5 महीना ले लेगी। यहाँ पे 2 मंथ का एक बर्ड है बेसिकली, एक 1.5 महीने, एक बेसिकली 30 डेज़ के डिफरेंस से बर्ड की एज है। जैसे कि ये देख रहे हो ना माशाल्लाह से, ये आपको 1000-1000 रुपये के अंदर मुर्गियाँ मिल जाएंगी, बिल्कुल फाइनल रेट है, इसमें 1 रुपये की भी गुंजाइश नहीं है। पहले ही बता दूँ कि आप लोग तंग परेशान हो गए क्या हिसाब किताब बनेगा, तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दें कि भाई 1 रुपये की भी गुंजाइश नहीं है, ताकि आपका और हमारा दोनों का कीमती वक्त बचे। मिनिमम 1000, मैक्सिमम 1200 बर्ड के हिसाब से रेट। जैसे कि पैरी मुर्गी है ये 1200 रुपये की है, ये डिफरेंट है बाकी सबसे साइज़ के अंदर, एज में भी अच्छी खासी है। ये वाली मुर्गी देख रहे हो, ये भी 1200 रुपये की मुर्गी, अच्छी खासी साइज़ के अंदर बड़ी है। ये वाली देख लो, तो मिक्स है इंशाल्लाह, जिसको जैसा चाहे वैसे उस तरह की माल निकलते हैं। ये वाली मुर्गी देखो, ये आपको अंदाजा बेहतर तरीके से होगा, ऑलमोस्ट 1200 रुपये की पड़ेगी फुल, जिसे कहते हैं ना महीना लेके मैक्स टू मैक्स साइज़ के अंदर, तो ना अच्छी खासी है ये। तो चलें यहाँ से हम ज़रा इनको कस्टमर के हैंड ओवर करते हैं, क्योंकि देर बहुत हो गई, मैंने निकलना है एक शादी के अंदर, और उसके बाद आपको आगे की अपडेट देते हैं। ये हैदराबाद भेजनी थी भाई को, दिखा दी ये जगह, और क्या कहते हैं ये रख के अच्छी से ना छत पे रख के लेके जाना ज़्यादा आसान है, बजाय नीचे लेके आने के। एसी वाली गाड़ी हो तो नीचे भी चले जाए, लेकिन अगर एसी वाली गाड़ी नहीं है तो इस टाइम पे छत पे रख के लेके जाना बहुत बेहतर है, क्योंकि मौसम बैलेंस हो जाएगा और मुर्गी जो ना आराम से चले जाएगी बगैर किसी मसले के। वरना होता क्या नॉर्मली कि नीचे दम घुट जाता है और ऊपर छत पे हवा अच्छी खासी लगेगी, तो ये है कि ठंड गर्मी नहीं होगी। अभी मौसम भी कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है, ठंडा नहीं है, और ये है कि काम भी हो जाएगा बेहतर तरीके से। देख रहे भाई बांध रहा है, हम चेक कर लेंगे कि अच्छे तरीके से बन जाएंगे चारों तरफ से, और उसके बाद जो है ना बस को बनवा के फिर निकलते हैं। खैर, अपनी मंजिल पे गामजन है, हमने ज़्यादा ओवरलोड करी नहीं है। बड़ी वाली प्लास्टिक की टोकरी होती तो और अच्छा हो जाता, पर अभी नहीं मिली। देखो अभी गर्मी से इनका आँप रही है ये, तो इसीलिए रीज़न ये था, छत पर रख के जाएंगे ना सुकून से, बगैर किसी मसले के, बगैर किसी पंगे के, इंशाल्लाह खैरियत से अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगी। भाई का नंबर ले लेंगे, पार्टी को दे देंगे कि भाई ये नंबर है, ये बंदा है, खुद देख लो अपने हिसाब से आप। बस बस बेहतरीन काम हो जाएगा। अच्छा, हमारे घर से ये वाला स्टॉप बहुत करीब है, बहुत करीब से करते हैं, जो नवाब शाह वाला इंटीरियर का खास का नहीं, लेकिन अच्छे से काम हो जाता है। कब तक पहुंचेगी वैसे ये अंदाजन गाड़ी? 2 घंटे में पहुंच जाएगी। अपना नंबर जरा दिखाना, फिर मैं बात करवा देता हूँ उससे। चलो अल्लाह की इबादत, नहीं जाएगी इंशाल्लाह। फ्रेंड दिखा दें आपको, बड़ा इश्ता यार टाइप की गाड़ियाँ नहीं होती VIP। एक दफ़ा मैंने इसमें सफ़र किया था, मेरे साथ बकरे भी साथ ही बैठे हुए थे, तो गाड़ियों का फ़ायदा बड़ा होता है, स्मेल भी नहीं आती क्योंकि AC तो होता नहीं है। खैर अल्लाह की इबादत, भाई सुकून से लेके जाए, हम लोग निकलते हैं घर की तरफ, और उसके बाद जो ना आगे चल के सुकून से कहानी को डिस्कस करते हैं।
बस यार आज की वीडियो इतनी सी थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देगा, साथ में अगर आप हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकते हैं जिसकी फीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मजीद डिटेल के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको मेरा स्क्रीन पर गिवन है। कोर्स हमारा उन लोगों के लिए अच्छा है जिन्होंने पहली दफ़ा फार्मिंग स्टार्ट करी है या फिर जो लोग कर रहे हैं, क्योंकि मुझे खुद फार्मिंग करते हुए अलहमदुलिल्लाह 6 साल हो गए, जिसका प्रूफ मेरा यूट्यूब चैनल है। आप देख सकते हैं कि मेरी पहली वीडियोज़ पर 5-6 साल की है, और साथ में हमारी जो डिग्री है वो भी कराची यूनिवर्सिटी से BS पोल्ट्री साइंस की ही है। तो स्पेसिफिकली हम इस साइट पर हैं, तो आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो रिगार्डिंग कोर्स से रिलेटेड तो आप बहुत मामूली से यानी कि सिर्फ 2500 रुपये पे करके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफिज़।